इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के होने वाले हंगरी T10 के दोस्तों सेकेंड मैच के बारे में। दोस्तों आज का सेकेंड मैच ROT और दोस्तों RF टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 2:45 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं कि दोनों टीमों का अभी तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो RO की टीम दोस्तों इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 मैच के लिए, जिसमें दोस्तों इन्होंने 4 मैच विन किया है और दोस्तों 1 मैच इनका मात्र लॉस रहा है। और वहीं दोस्तों RF टीम का परफॉर्मेंस देखें तो 2 मैच इन्होंने खेला है और 2 के 2 मैच इन्होंने लॉस किया है। और इस मैच में भी दोस्तों देखो जो RF की टीम है ना दोस्तों, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन उपलब्ध नहीं है एज अ प्लेयर। RF के पास दोस्तों गिने चुने दोस्तों आपको 2 ही ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो आपको मैच विनर दिखते हैं, लेकिन ROT की टीम जो है दोस्तों इनके पास 3-4-5 मैच विनर प्लेयर है। इसलिए दोस्तों इस मैच में आप कोशिश कीजिएगा RO टीम को ही फेवर करके कम्बिनेशन बनाने का, और 7-4 का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं और 6-5 का भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक ना। जो भी दोस्तों मैंने आपको वीडियो में अभी कॉम्बिनेशन शेयर किया है, टर्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कोई भी चेंजेस करना होगा उस टीम में तो मैं आपको फाइनल कॉम्बिनेशन फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। दोस्तों बात करें दोस्तों हम लोग ROT और दोस्तों RF के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आएगा तो दोस्तों आपको डी सुदर्शन नाई का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, बिकॉज दोस्तों ओपन बैटिंग करने आएंगे और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट एज अ विकेट कीपर भी प्रोवाइड करते हैं, और बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस आहूजा का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों लास्ट 2 मैच से खेल नहीं रहे, यदि दोस्तों खेलेंगे नहीं तो फिर आप लोग को ट्राई नहीं करना है, लेकिन यदि दोस्तों ये खेलते हैं तो फिर आपको इन्हें सभी टीम में ट्राई करना है एस सुदर्शन नाई के साथ, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस प्लेयर पर, मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ लेकिन खेलेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एच अरिफ का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों एक बेहतरीन फील्डर है और साथ ही साथ अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन है। माइनस पॉइंट दोस्तों बस यही है कि टीम इन्हें बैटिंग करने के लिए 6 नंबर और दोस्तों 7 नंबर पे भेजती है, जो दोस्तों T10 जैसे टूर्नामेंट के लिए बहुत ज़्यादा नीचे होता है बैटिंग, क्योंकि यदि 6 नंबर 7 नंबर पर दोस्तों कोई प्लेयर आएगा तो आप समझ सकते हो बॉल दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं खेलने के लिए कि आपको वो मैक्सिमम स्कोर करके दें। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा एयरिप के साथ, ठीक ना। आप कंसीडर करना चाहते हो बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, बैटिंग सेकेंड में आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको जी अर्जुन का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों आपको विकेट कीपिंग से मेनली पॉइंट देते हैं, इसी वजह से मैं अभी राइट नाउ टीम में इन्हें नहीं रख रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो बैटिंग सेक्शन में के दिलदार को आप टीम में ट्राई कर सकते हो, ओपन बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी कर लेते हैं। देखो दोस्तों बॉलिंग से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सिर्फ दोस्तों लास्ट ही मैच में इन्होंने 1 ओवर बॉलिंग किया, उससे पहले 1 सिंगल मैच में भी बॉलिंग नहीं किया, बट ओपन बैटिंग करने आएंगे ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे आएगा दोस्तों एम आहूजा खेले तो दोस्तों GL में ट्राई करना बैटिंग फर्स्ट में, बैटिंग सेकंड में आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, 3 नंबर पे दोस्तों बैटिंग करने आएंगे, नहीं तो दोस्तों 4 नंबर पे भी आ सकते हैं। बैटिंग पोजीशन दोस्तों इनका कभी भी फिक्स नहीं रहता है, और जितने मैच में बैटिंग करने आए भी है दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया है। फिर नीचे तो आपको जे अहमद का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों ओपन बैटिंग करने आएंगे दोस्तों प्रीत कुमार के साथ। ये दोनों प्लेयर दोस्तों अपने टीम के लिए ओपन बैटिंग करते हैं, बट दोनों का दोस्तों जो परफॉर्मेंस रहा है ना बहुत ख़राब रहा है दोस्तों। प्रीत कुमार तो दोस्तों और भी ख़राब रहे, 0-0 स्कोर किए दोस्तों, और वहीं जे अहमद भी दोस्तों 5 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए 2 मैचों में। तो दोनों का दोस्तों परफॉर्मेंस खराब रहा है, लेकिन ध्यान रखना GL में आप ट्राई करना चाहते हो तो आप दोस्तों ये दोनों प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, एक टीम में मत करना, ठीक ना। एक टीम में आप जे अहमद को रख रहे हो तो अगले टीम में दोस्तों आप प्रीत कुमार को रखिएगा, दोनों को एक टीम में मत रखिएगा, क्योंकि दोनों दोस्तों उतने अच्छे रिकॉर्ड भी नहीं है और उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है। आप एक प्लेयर के साथ रिस्क ले सकते हो एक टीम में। फिर नीचे दोस्तों अनदर ऑप्शन का कुछ बात करें तो यदि दोस्तों जेड साफी खेलता है तो आपके टीम में दोस्तों डेफिनेटली रहने वाला है, बिकॉज दोस्तों खेलेगा तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा और दोस्तों एक तगड़ा हार्ड हिटर बैट्समैन भी है और T10 में रिकॉर्ड भी इनका काफ़ी अच्छा है।
अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों ए प्रभाकर को आप टीम में ट्राई कर सकते हो। आपको दो ओवर बॉलिंग के साथ साथ यदि बैटिंग का इन्हें चांस मिला तो आपको बैटिंग बैकअप भी देते हैं। इनका दोस्तों प्लेइंग 11 में हमेशा आपको इनका नाम फर्स्ट राउंड में दिखाएगा, लेकिन ये फर्स्ट राउंड में दोस्तों बैटिंग नहीं करने आते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे और बॉलिंग फर्स्ट यदि इनकी टीम करती है तो कैप्टन बीसी भी आप कर सकते हो। फिर नीचे ही का जेड खान 100% आपके टीम में होने चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं अभी नहीं रख रहा हूँ। आप बोलोगे यार मैंने बोला 100% होने चाहिए और मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, रीजन दोस्तों क्या है, लास्ट दो मैच से दोस्तों ये खेल नहीं रहे, ठीक ना। यदि ये नहीं खेलेंगे तो फिर आपको रख के क्या करना है, तो इसलिए मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ। लेकिन यदि खेलते तो आपके सभी कम्बिनेशन में होने चाहिए और आप कैप्टन कर लेना, ठीक ना। फिर नीचे आएगा डब्ल्यू मोहम्मद, आपके टीम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है ना कि दोस्तों जेड खान खेल नहीं रहे, इससे दोस्तों डब्ल्यू मोहम्मद को बेनिफिट हो गया कि ये सभी मैच में अभी दो दो ओवर का बॉलिंग भी कर रहे हैं और दो नंबर पर दोस्तों आपको बैटिंग भी करने आ जा रहे हैं और बैटिंग से अच्छा इन्होंने स्कोर भी किया है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ए जया कुमार का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों आरएफ टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, बैटिंग से दोस्तों देखो हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, बहुत जोर से दोस्तों ये बैट भासता है, यदि बॉल लगा तो वो छक्का ही जाएगा, लेकिन बहुत बार मिस भी होते हैं, लेकिन बॉलिंग से बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करके देंगे। मैं ऐसा बॉलर दोस्तों इन्हें टीम में ट्राई कर रहा हूँ, जीएल में आप कैप्टन बीसी भी कर सकते हैं यदि किसी आरएफ टीम के प्लेयर को करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एक हितपाल का ऑप्शन मिलेगा, यदि खेलता है तो दोस्तों आपको दो ओवर बॉलिंग करके देगा, लेकिन चांस मुझे कम इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मैच इन्होंने खेला था उस मैच में इन्हें दोस्तों फिंगर इंजरी हो गया था कैच लेते टाइम, जिसकी वजह से दोस्तों ये लास्ट 3 से 4 मैच से खेल नहीं रहे, तो खेले तो टीम में रखिएगा, लेकिन ना खेले तो आप इग्नोर करके चलिएगा। नीचे से दोस्तों जीएल में आप चाहो तो आप आई हसीब को ट्राई कर सकते हो, जीएल में कीजिएगा। जीएल में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बंदे ने दो मैच खेला है और दोनों मैचों में आपको दो दो ओवर का बॉलिंग किया है, डैट मीन्स बॉलिंग ये करेगा, विकेट नहीं ले पाया दोनों मैच में, बट आपको बॉलिंग करके देगा, तो आप जीएल में आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो यदि आरएफ की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो, ठीक ना। चलिए अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में एमान मेरे फर्स्ट ऑप्शन रहेंगे, दो ओवर बॉलिंग, साथ ही साथ विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, ड्रॉप आपको करना नहीं है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस नामगिल का ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों नामगिल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सिर्फ दो ही मैच खेले पर दोनों मैच में दोस्तों आपको 2+ विकेट देखे गया है और बहुत अच्छा इनका लाइन लेथ रहता है, डेथ में दोस्तों बॉलिंग करने आते हैं, सभी टीम में इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे आएगा दोस्तों एस गौतम, एस गौतम को दोस्तों मैं टीम में रख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इनकी जगह आप अदर प्लेयर पर भी चाहो तो रिस्क ले सकते हो, जैसे विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इनकी जगह एस अरीब को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। गौतम को दोस्तों मैं बस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मैच में आपको ये 1 से 2 ओवर डेफिनेटली बॉलिंग करके देगा और बॉलिंग करेगा दोस्तों तो विकेट लेके जाएगा, क्योंकि ये एक ही ओवर बॉलिंग करता है तो दोस्तों डेथ में बॉलिंग करने आते हैं 9 ओवर, नहीं तो दोस्तों ओवर नंबर 10। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको टी गोमिस का ऑप्शन मिलेगा, गोमिस दो मैच खेले टूर्नामेंट में, फर्स्ट मैच में तो आपको 2 विकेट प्रोवाइड कर गए थे बट सेकेंड मैच में इनको बॉलिंग दिया नहीं गया, तो इसीलिए मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये सब प्लेयर का ना कभी भी दोस्तों कन्फर्म नहीं होता है कि आपको बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा। जब टीम दोस्तों आसानी से मैच विन करती रहती है तभी दोस्तों कैप्टन इन्हें बॉलिंग देता है, यदि मैच फंसा हुआ रहता है तो दोस्तों इसको बॉलिंग नहीं मिलता है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एम सकलेन का ऑप्शन मिलेगा, यदि दोस्तों प्लेयर खेलता है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक ना। मैं अभी इनके जगह टीम में नीचे से एस दिलदार को रख रहा हूँ, लेकिन एम सकलेन खेले तो आप इनके जगह ऊपर से इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। एस दिलदार दो मैच खेले और दोनों मैच में दोस्तों आपको दो दो ओवर का बॉलिंग किया, सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों टीम में लेने का यही है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एल बेला का ऑप्शन मिलेगा, बेला दोस्तों लास्ट मैच में 2 ओवर बॉलिंग करके ना आपको दोस्तों ध्यान रखना विकेट ले गए थे, ध्यान रखना, ठीक ना। मैं एल बेला को टीम में अभी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यदि ऊपर से एम सकलेन नहीं खेलता है या दोस्तों फिर इधर से जेड खान, ए खेतीपाल ये सब प्लेयर नहीं खेलते तो टी गोमिज और एल बेला ये दोनों में से दोस्तों कोई एक बॉलर तो आपको डेफिनेटली 2 ओवर बॉलिंग करने वाला है, तो यदि वो सब प्लेयर नहीं खेलते तो ये दोनों प्लेयर को अपने टीम में ज़रूर रोटेट कर लीजिएगा, और यदि दोस्तों वो सब प्लेयर खेलते हैं तो फिर आप दोनों को इग्नोर कीजिएगा और इधर से ए खान और ए खेतीपाल और जेड खान को आप टीम में रख लीजिएगा, ठीक ना। ये रोटेशन आपको ध्यान रखना है। मैं नीचे से पी कुमार को अपने टीम में रख रहा हूँ दोस्तों, पी कुमार बहुत बढ़िया बॉलर है दोस्तों, विकेट कम मिलता है लेकिन लाइन लेंथ इनका बहुत अच्छा रहता है और आपको सभी मैच में 2 ओवर बॉलिंग करेंगे ये 100% गारंटी
क्वालिटी रखेगा, तो इसलिए मैं इन्हें टीम में बैक भी कर रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों कैप्टन बीसी ऑप्शन बताने से पहले मैं आपसे दोस्तों इस मैच का गिव अवे का क्वेश्चन कर लेता हूँ। दोस्तों आपको इस वीडियो में बताना है और इस मैच में बताना है कि दोस्तों इस मैच में डी सुदर्शन नाई आपको कितना रन स्कोर करके देगा। दोस्तों आपको आंसर कैसे देना है, तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में हैशटैग शर्मा फैंटेसी ग्रुप लिखना है और आपको नीचे दोस्तों डी सुदर्शन नाई लिखे, उनके बाद वहां पे आपको स्कोर इनको बताना है कि आपको क्या लगता है ये कितना स्कोर करेंगे। ठीक ना दोस्तों, आप सभी दोस्त जाइए गिव अवे क्वेश्चन का जवाब दीजिए और दोस्तों गिव अवे विन कीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि दोस्तों आप मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए, जिससे आपके आईडी का मेरे को इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आप विनर होंगे तो। ठीक ना, अब बात करें दोस्तों कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों आप कैप्टन बीसी ऑप्शन में दी सुदर्शन नाई को भी ट्राई कर सकते हो। ओपन बैटिंग करेंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज और परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ए प्रसाद बॉलिंग फर्स्ट में अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बॉलिंग सेकेंड में आप इग्नोर करना चाहो कर सकते हो। डब्लू महमूद को दोस्तों तभी ट्राई कीजिएगा यदि दोस्तों जेड खान नहीं खेलता है तो। ठीक ना, यदि जेड खान खेलेगा तो दोस्तों इनका ओवर कट जाएगा। एजय सकरा दोस्तों, यदि आरएफ टीम के किसी भी प्लेयर को कैप्टन बीसी करना चाहते हो, जय कुमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैप्टन ए प्रसार और वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने डब्ल्यू महमूद को किया है। और अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टस के बाद यदि दोस्तों इस टीम में कोई भी चेंजेस करना होगा टस को ध्यान में रखते हुए, या दोस्तों प्लेइंग 11 में कोई चेंजेज होगा, तो मैं आपको फिर से फाइनल कॉम्बिनेशन अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।